नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो याद रखिए, कक्षा छठवीं की सभी बुक्स हम लोग देख चुके हैं जो हमारे लिए सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के लिए जो जरूरी हैं बुक्स। ठीक, कक्षा सातवीं की भी हम लोग सभी बुक्स देख चुके हैं, कक्षा आठवीं की सभी बुक्स देख चुके हैं और कक्षा नौवीं में हम लोग आपकी लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, समकालीन भारत फर्स्ट, अर्थशास्त्र, ये तीन बुक्स देख चुके हम लोग कक्षा नौवीं की। अब हम बात करने वाले हैं कक्षा नौवीं की चौथी बुक के बारे में, ये है आपकी भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो याद रखिए एक बात हमेशा आप लोग, कि अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। जरूरी का मतलब जरूरी है, समझे? इन्हें छोड़कर आप किसी भी हाल में, स्टेट पीसीएस हो सकता है कि आप निकाल लें, लेकिन सिविल सर्विस निकालना यानी कि आईएएस बनना मुश्किल है। तो इसलिए समय रहते हुए इन्हें आप लोग पढ़ लें अच्छे से, और जो कक्षा छठवीं सातवीं आठवीं की है अगर इन्हें पढ़ लें तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कक्षा नौवीं से तो आपको जरूरी ही है कि पढ़ना है। ठीक है, अगर मेरी सलाह यही है कि कक्षा छठवीं से ही आप लोग पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपका बेस भी, जो भी बेस होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मेरा जो कर्तव्य था, यानी कि मुझे तो कक्षा छठवीं से आप सभी से वादा किया था, तो मैंने तो सभी आपकी कक्षा छठवीं की बुक्स कवर की हुई है, कक्षा सातवीं, कक्षा आठवीं, और मैं इस तरह से कक्षा बारहवीं तक की आपकी सभी बुक्स कवर करूंगा। और एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में सभी बुक्स आपकी डली हुई है, चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया गया। ठीक, अगर आप लोग ध्यान से और धैर्य पूर्वक पढ़ते हैं एडजस्ट कर, तो आपका कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना होगा। ठीक, वो सिविल सर्विस के लिए धैर्य बहुत बड़ा शब्द है, आपको धैर्य रखना होगा। ठीक, तो इसलिए पढ़ लीजिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए समय रहते हुए, क्योंकि समय निकल जाएगा उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे फिर आपको दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। कक्षा नौवीं के लिए है, इतिहास की पुस्तक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। और याद रखिए आपकी जितनी भी बुक्स होती हैं सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए। टेलीग्राम पर डालने का उद्देश्य इतना है कि आप डाउनलोड तो हर जगह से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए जरूरी हैं कौन सी नहीं, तो टेलीग्राम पर आपके लिए जो जरूरी है वही बुक्स डाली गई है। ठीक है, इसे देख लीजिए, भारत का संविधान, उद्देशिका का आपको मौखिक याद हो जाएगी, इतने बार हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। कक्षा छठवीं से जब से हम लोगों ने शुरू किया पढ़ना बुक्स तभी से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान के कुछ प्रावधान आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, लेकिन पूरी तरह से आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिए। और मेरा तो मानना है, पता है, कि जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो इंडिया में रह रहा है भारतीय, उन सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पता है इसमें बहुत कुछ समझाया गया। संविधान में आप जैसे मौलिक अधिकार ले सकते हैं, मौलिक कर्तव्य ले सकते हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है,
भौगोलिक स्थिति क्या है हमारी, राजनीति क्या है हमारे यहाँ की, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो जरूरी ही पढ़ना है। इसमें अगर विषय वस्तु की बात करें कि पढ़ेंगे क्या क्या हम लोग, तो ये आपकी विषय सूची। इसमें बात करेंगे हम लोग खंड एक, यानी कि इकाई एक मान लीजिए इसे, घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें पहला अध्याय होगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा अध्याय होगा हमारा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तीसरा अध्याय नाथसीवाद और हिटलर का उदय। आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि कक्षा 9वीं से 12वीं की जरूरी है, क्योंकि कक्षा 8वीं की बहुत सरल शब्दों में लिखी है और आप चाहें तो उसे 10 दिन में पूरा खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल पतली पतली है और साधारण शब्द लिखे गए हैं, बस वहाँ आपका शब्द की परिभाषा बताने के लिए बता गई है कि पर्यावरण होता क्या है, इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट, शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन कक्षा 9वीं से जो आपकी आगे हैं, इन्हें आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे बनेंगे, ठीक है। फिर चाहे आपके प्रीलिम्स में हो, फिर चाहे आपके मेंस में हो। खंड दो यानी कि इकाई दो में हम पढ़ेंगे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें अध्याय चार होगा हमारा वर्ण समाज और उपनिवेशवाद, पांचवा अध्याय आधुनिक विश्व में चरवाहे, छठवा अध्याय होगा किसान और काश्तकार, तीसरी इकाई होगी रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसमें हम बात करेंगे इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी, पहनावे का सामाजिक इतिहास भी हम लोग देखेंगे। इस तरह से आपके 8 अध्याय होंगे इस बुक्स में और चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। क्या होंगे? चैप्टर बाई चैप्टर आपके पढ़ते जाएंगे।